दोस्तों, आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको एक ड्यूरा स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। अगर आप गूगल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर स्ट्रोक एंड्रॉयड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है, इस तरीके के ऐप्स होते हैं, तो उनके अंदर आपको सेटिंग में जाकर एक ऑप्शन मिलता है ड्यूरा स्पीड। अगर ये ऑन होता है तो क्या होता है, अगर ये ऑफ होगा तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में। दोस्तों, इसका मतलब है ड्यूरा स्पीड ऐसी ऐप है जो कि हमारे फ़ोन में पहले से है, जो बूस्ट करती है, मतलब तेज़ करती है फोरग्राउंड ऐप को, मतलब जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे तेज़ करती है? वो तेज़ करती है जो पीछे के ऐप्स हैं, जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं, उनकी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके या फिर रिसीव करके या फिर उन्हें परमानेंटली बंद कर देती है। ठीक है, जैसे ये अभी मैं सेटिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये जो बैकग्राउंड के ऐप्स हैं ये ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि मैं ड्यूरा स्पीड यूज़ कर रहा हूँ, और ड्यूरा स्पीड परमानेंट बंद नहीं करता, बट ये कुछ देर के लिए बंद कर देता है जब तक आप पहला ऐप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका जो पहला ऐप है वो बहुत अच्छे से और फास्ट चले। तो यही मतलब होता है ड्यूरा स्पीड का। उम्मीद है आपको पता चल गया। इसको चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना।